झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। यहां महंगाई दर 17% के पार पहुंच चुकी है। एक कप चाय भी 100 रुपए पर पहुंच गया है। ब्रेड के एक पैकेट के लिए 150 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं श्रीलंका में महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए का कमजोर होना भी है। मार्च महीने में ही डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू 40% से ज्यादा गिरी है। वहीं मार्च में ही एक डॉलर की वैल्यू 201 श्रीलंकाई रुपए से बढ़कर 295 श्रीलंकाई रुपए पर पहुंच गई है। इससे श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई है। आज हम आपको बता रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले किसी भी देश की मुद्रा की कीमत कैसे तय होती है और डॉलर के मुकाबले उस मुद्रा के कमजोर होने से क्या होता है। तो आपको बता दें कैसे तय होती है डॉलर के मुकाबले की दूसरे देश की मुद्रा कीमत। डॉलर की तुलना में किसी भी अन्य मुद्रा का मूल्य घटे तो इसे उस मुद्रा का गिरना टूटना कमजोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में करेंसी डेप्रिसिएशन। और हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडारण होता है जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडारण के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में डॉलर अमेरिका के रुपए के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपए कमजोर होगा, बढ़े तो रुपए मजबूत होगा। इसे फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं। इसे भारतीय रुपए के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि अमेरिका के पास 75,000 रुपए है और हमारे पास 1,000 डॉलर। डॉलर का भाव 75 रुपए तो दोनों के पास बराबर धनराशि है। अब अगर हमें अमेरिका से कोई ऐसी चीज़ मंगानी है जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 7,500 रुपए है तो हमें इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडारण में बचे 900 डॉलर। जबकि अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत के जो 75,000 रुपए थे वो तो हैं, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में जो 100 डॉलर थे वो भी उसके पास चले गए। संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है कि भारत भी अमेरिका को 100 डॉलर का सामान बेचे। मगर अगर आप जितना माल डॉलर चुका कर आयात करते हैं उतना निर्यात नहीं करते हैं तो डॉलर की वैल्यू रुपए की तुलना में बढ़ जाती है। वहीं फॉरेक्स मार्केट में रुपए के बदले विभिन्न देशों की मुद्राओं की लेन देन की दर तय होती है। डॉलर के मुकाबले यदि रुपए में घट बढ़ होती है तो इसका सीधा असर फॉरेक्स मार्केट पर दिखता है, क्योंकि इसी के आधार पर देश के लोग विदेश बाजारों से लेन देन करते हैं। साथ ही सबसे पहले निर्यात और आयात प्रभावित होता है। हर देश के अपने फॉरेक्स मार्केट होते हैं लेकिन सभी एक ही तरह से काम करते हैं। वहीं बता दें श्रीलंका या कोई भी देश अपने जरूरत की वस्तुएं या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेशों से आयात करते हैं, और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए आपको उन्हें डॉलर में ही चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप रुपए में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी मुद्रा का प्रयोग तो करना ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि श्रीलंका को भुगतान डॉलर में करना होगा। ऐसे में डॉलर के मुकाबले आपकी श्रीलंका का रुपए जितना कमजोर होगा, श्रीलंका में बाहर से आयात होने वाली जो चीज़ों की कीमत है वो उतनी ही बढ़ जाएगी। श्रीलंका का ऑयल, फूड, पेपर, चीनी, दाल, दवा और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में श्रीलंकाई रुपए कमज़ोर होने से इनके लिए श्रीलंकाई सरकार को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, जिस कारण वहाँ इन चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे देश में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये थी बात कि श्रीलंका में कि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहाँ पे एक कप चाय भी 100 रुपए पर पहुंच गई है, और वहाँ डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से जो महंगाई है वो और ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो अभी बस बड़ी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस,
बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।